आज तारीख है 30/7/2020। प्रत्यय मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे प्रश्न बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है। उत्तर है जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते, उन्हीं ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूल करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो, बाबा कहते क्षमा होती नहीं। हर एक कर्म का हिसाब किताब है। गीत हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं ओम शांति। मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। वरदान है आज का, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख हुआ सर्वशक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। वरदान डिटेल से, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पाँव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभवी होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्वशक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है आज का, नीचे रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव सबसे होता है। अच्छा ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आप ये वाली मुरली सभी भाई बहनों को भी भेजते रहें ताकि वो भी मुरली सुन सके। अच्छा, फिर से ओम शांति।